स्टूडेंट्स वेलकम टू चतुर्वेदी कोचिंग क्लासेज। तो स्टूडेंट्स फाइनली राजस्थान यूनिवर्सिटी से नोटिफिकेशन आ चुका है, अब की बार भी वो आप लोगों से 50% सिलेबस ही पूछेंगे, ठीक है ना। क्योंकि आप लोगों को पता है कि अब की बार बीएससी सेकंड ईयर और बीएससी फाइनल ईयर की जो एग्जाम थी वो अगस्त सितंबर में हुई थी, उसके बाद रिजल्ट भी आप लोगों के लेट आए थे, एग्जाम फॉर्म भी आप लोगों के लेट स्टार्ट हुए थे। तो कुल मिलाकर ये हुआ का अब की बार भी आप लोगों की पढ़ाई बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई थी। तो इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए राजस्थान यूनिवर्सिटी ने अब की बार भी ये निर्णय लिया है कि अब की बार भी वो आप लोगों से 50% सिलेबस पूछेंगे, ठीक है ना। तो आप लोगों का जो पेपर पैटर्न है वो लास्ट ईयर की तरीका से ही होगा, वही आप लोगों से डेढ़ घंटे का आप लोगों से पेपर सॉल्व करवाएंगे। डेढ़ घंटे के पेपर में आप लोगों को आधा ही पेपर सॉल्व करना है, ठीक है ना। मेरी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई ना कि डेढ़ घंटे का आप लोगों का पेपर होगा। डेढ़ घंटे के पेपर के अंदर आप लोगों को जितने भी नंबर का आप लोगों का पेपर होगा उतना उसका आधा ही पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है, ठीक है ना। फिर अगला पेपर और पहले पेपर के बीच में जो गैप रहेगा वो आप लोगों को 10 मिनट का रहेगा। जैसा कि मैं केमिस्ट्री की बात करता हूं, तो जैसा कि आप लोगों का पहली पारी में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर हो गया, ठीक है ना, फिर 10 मिनट का आप लोगों के लिए गैप दिया जाएगा, उसके तुरंत ही बाद आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पेपर ले लिया जाएगा, ठीक है ना। डेढ़ घंटे का पेपर आप लोगों का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा और डेढ़ घंटे का पेपर आप लोगों से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का होगा, ठीक है ना। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप लोगों का 33 नंबर का पेपर होगा, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का भी आप लोगों का 33 नंबर का पेपर होगा और उनको उसमें से आप लोगों को 17 नंबर का पेपर आप लोगों को सॉल्व करना है। मेरी बात आप लोग समझ में आ गई ना। और फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आपका अगले दिन होगा, ठीक है ना। जैसे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक के आज हो गए आप लोगों के, तो फिजिकल केमिस्ट्री का पेपर आप लोगों का अगले दिन होगा और वो पेपर आप लोगों का 34 नंबर का होगा, ठीक है ना। तो 34 में से आप लोगों को वही 17-18 नंबर का पेपर सॉल्व करना है, मतलब 50% पेपर ही आप लोगों को सॉल्व करना है। तो पहले तो ये बात होता है, ये बात आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गई। अब पेपर का पैटर्न क्या होगा, किस तरीके से आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना, इसके ऊपर मैं आप लोगों के लिए एक वीडियो बना चुका हूं। तो सभी स्टूडेंट प्लेलिस्ट में जाकर उस वीडियो को देख लेना, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि पेपर का पैटर्न किस तरीके से होगा और हम लोगों को क्वेश्चन किस तरीके से टच करने और उनका जवाब किस तरीके से देना है, ठीक है ना। और जो 50% आप लोगों को सिलेबस कवर करना है उसके लिए मैंने आप लोगों के लिए एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो के अंदर मैंने आप लोगों के लिए यह बताया है कि कौन कौन सी यूनिट तो आप लोगों को पढ़नी है और कौन कौन सी यूनिट आप लोगों को छोड़नी है। देखो, जो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग यूनिटों को कर चुके हैं वो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो स्टूडेंट अपने अकॉर्डिंग यूनिटों को नहीं कर पा रहे हैं वो मेरे अकॉर्डिंग यूनिटों को करना, इसके लिए मैं एक वीडियो बना चुका हूं। उस वीडियो को आप लोग देख लेना, जिससे आप लोगों को पता लग जाएगा कि कौन कौन सी यूनिट आप लोगों को पढ़नी है और कौन कौन सी यूनिट आप लोगों को छोड़नी है। बात समझ में आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात कि जिन स्टूडेंटों के पास में नोट्स नहीं है हिंदी मीडियम के और इंग्लिश मीडियम के, वो सभी स्टूडेंट कोचिंग के नंबर पर मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं उनके लिए हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम के नोट्स उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक है। स्टूडेंट यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन आप लोगों को आती रहेगी वो मैं आप लोगों के लिए देता रहूंगा, ठीक है। जिन स्टूडेंटों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।